हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल बीइंग प्रियंका में। और मैं हूँ प्रियंका। तो आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चोको लावा केक। बहुत ही इजी वे में और बहुत क्विकली मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगी कि कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चोको लावा केक के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए हैं उसमें 1 कप दूध, 1 कप मैदा, आधा कप शुगर पाउडर, कुछ चॉकलेट्स, आधा कप ऑलिव ऑयल, इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1 चम्मच वाइट विनेगर जो हम लोग चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ये वही विनेगर है, और 1 चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा, और 1/4 चम्मच हमने लिया हुआ है सफ़ेद नमक, और 1 चम्मच लिया हुआ है वनीला एसेंस। और ये है कपकेक मोल्ड, सिलिकॉन वाले हैं। आप इसकी जगह पेपर के जो कप्स होते हैं यूज इन थ्रो वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे का प्रोसीजर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल में जो हमने दूध लिया हुआ है उसको डाल देंगे, और इसी में हम डाल देंगे अपना जो हमने ऑलिव ऑयल लिया हुआ था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसी में हम डाल देंगे अपना वाइट विनेगर, और इसी में हम ऐड कर देंगे अपना वनीला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जो हमारे जो लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम साइड में रख के और जो हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अब हम छान लेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है और उसमें मैंने ये छलनी ली हुई है। तो अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं उसको हम इसमें डाल के छान लेंगे। ये पहले हमने इसमें डाल लिया है मैदा, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सफेद नमक, और अब हम इसी में ऐड कर देंगे अपना कोकोआ पाउडर, और अब हम इन सबको छान के एक साथ इनका अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा, हमने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे इनको छान लिया और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छानने से क्या होता है कि जो भी हमारे गांठें वगैरह होती है शुगर पाउडर में या फिर कोकोआ पाउडर में वो डिसॉल्व हो जाती है, तो और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी कोई केक बना रहे हैं या फिर आप ये कपकेक बना रहे हैं तो जो इसका जो आप मेज़रमेंट है इंग्रेडिएंट्स का उनको प्रॉपरली लें, क्योंकि अगर आप उनका जो मेज़रमेंट है वो आप ढंग से नहीं लेंगे उसको तो फिर क्या होगा कि केक आपका परफेक्टली नहीं बनेगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको हम ये जो हमने लिक्विड बनाया हुआ था मिक्सचर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना फिर लम्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है और फिर आपको टाइम लग जाएगा फाइन पेस्ट बनाने में। और आप जो इसको मिलाएंगे तो कट, फोल्ड और कट वाला जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा, हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। तो ये देखिएगा, मैंने जो सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट था वो इसमें मिक्स कर लिया है और देखिएगा कितना फाइन पेस्ट तैयार हुआ। और कंसिस्टेंसी भी हमें यही चाहिए, ये देखिएगा पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। तो अब ये परफेक्ट है,
इन केस कभी ऐसा हो कि आपका जो ये बैटर जो आप ये लिक्विड इसका बना रहे हैं वो अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसमें क्या करिए, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे का प्रोसीजर अब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया और कन्वेक्शन वाले मोड पे हम प्रेस करके यहाँ पे टेम्परेचर 180 डिग्री का सेट कर लेंगे। ये देखिए 180 डिग्री सेट हो गया और अब हम इसमें 5 मिनट का टाइम सेट करके इसको प्रीहीट कर लेंगे। अगर आपके माइक्रोवेव ओवन में अलग से प्रीहीट का बटन दिया हुआ है तो आप उसको प्रेस करें, बाकी अगर जिसमें नहीं दिया गया है तो उसके लिए ये है कन्वेक्शन 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको प्री हीटिंग पे हम लगा देंगे। और जब तक ये प्री हीट हो रहा है तब तक हम अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो जब तक हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि इन कप्स में हम अपना ये बैटर डाल लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है कि बस पहले थोड़ा सा डाला और इसमें फिर हम क्या करेंगे कि अपने जो ये हमने चॉकलेट्स क्यूब ले रखे हैं ये 3 मैंने इसमें क्यूब्स डाल दिए और फिर ऊपर से बहुत थोड़ा सा हमको ये जो अपना लिक्विड है वो डालना है जिससे कि जो ये हमारा चॉकलेट है वो ढक जाए बस। और इनको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा टैप कर देना है ताकि जो बबल्स हैं वो नीचे से हट जाएँ। और इनको अब हमने जो ये ट्रे जिसको हम बेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसमें हम सेट करते जाएंगे इस तरीके से। तो बाकी के मोल्ड्स में भी हम ये भर लेते हैं। तो ये देखिएगा मैंने ये सारे भर लिए हैं और भरते समय ये याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रखिएगा, पूरा ऊपर तक फुल मत भरिएगा क्योंकि ये फूल के जब बेक होंगे तो ऊपर की तरफ आएंगे। तो चलिए अब इनको बेक करने के लिए रखते हैं। तो ये देखिएगा हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है और अब मैं इसमें ये ग्रिल स्टैंड रखूंगी। आराम से रखिएगा, बहुत गर्म रहता है, हाथ जल सकता है। और अब मैं ये अपना ये कपकेक स्टैंड इसमें रख दूंगी और इसको बंद करके कन्वेक्शन मोड पे ही फिर से 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करके और मैं इसको 15 मिनट का टाइम सेट करके इसको बेक होने दूंगी। आप सेफर साइड 15 मिनट टाइम सेट करिएगा, किसी माइक्रोवेव में थोड़ा कम टाइम लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो अगर 15 मिनट के बाद हम देखेंगे बेक हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर 2-2 मिनट का टाइम हम वापस से सेट करेंगे। तो ये देखिएगा हमारा 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको खोल के हम देख लेते हैं, जब निकाले तो भी थोड़ा आराम से ही निकालिएगा क्योंकि गर्म हो जाता है माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा। तो ये देखिएगा हमारी जो ये चोको लावा केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं और आप ये देख सकते होंगे कि ये कप्स ने साइड छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपके माइक्रोवेव में ये 15 मिनट्स में प्रॉपरली बेक नहीं होते हैं तो आप 1-2 मिनट टाइम एक्सटेंड कर दें क्योंकि अलग अलग माइक्रोवेव में हीटिंग का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो चलिए अब इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर इनको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिएगा अब हमारे जो ये केक्स हैं इनको ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए ठंडा होते हुए। तो चलिए अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, हमें सिर्फ प्लेट पे इनको इस तरीके से उल्टा करना है और हल्का सा इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए ये अपने आप निकल आया और अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बच्चों को बहुत पसंद आता है चॉकलेट लावा केक, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।